आज हम एक पेट्रोल पंप पर आए हैं जहां पर 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। एक पेट्रोल पंप की जानकारी के लिए कि क्या क्या यहां पर चलाया जाता है और यहां पर सोलर सिस्टम लगाने की क्या जरूरत पड़ती है और सोलर से यहां पर क्या क्या उपकरण चलाया जाता है, किस टाइप का सोलर सिस्टम लगाया गया है और यहाँ पर किस टाइप का उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस रही है, इन सभी को जानने के लिए हम आए हुए हैं महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार में, जो धुले डिस्ट्रिक्ट के 80 किलोमीटर दूर पर है। और ये जानने के लिए ये पूरा मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो हाईवे से बगल में, ये एक स्टेट हाईवे, उसके बगल में ये पेट्रोल पंप है। एक पेट्रोल पंप की जरूरत की बात करें तो पेट्रोल पंप में कई अप्लायंसेस होते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि नोजल्स हैं जो डीजल और पेट्रोल के लिए, यहाँ पर दो नोजल है तो दो नोजल के लिए यहाँ पर दो मोटर आगे और दो मोटर पीछे, चार मोटर लगाए गए हैं। और पेट्रोल पंप में लाइटिंग, जैसे कि मल्टीपल लाइट लगाए हुए हैं, एग्जैक्ट नंबर कंज्यूमर से जानेंगे। और वहां पर एयर कंप्रेसर के लिए एयर के लिए यहां पर एयर कंप्रेसर मशीन है और पीछे बिलिंग मशीन के लिए कंप्यूटर सिस्टम, ये सब लगाया हुआ है। तो उन सभी को चलाने के लिए यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। तो ये है जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लूम सोलर का शार्क बाइफेशियल लगाया गया है, जो मेरे पीछे यहाँ पर आपको बैक साइड से व्यू इसका दिख रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। फ्रंट से यहाँ पर जगह आपको बन नहीं पा रही थी, लेकिन आप बैक साइड से देखेंगे तो एकदम चमकता हुआ सोलर पैनल, अच्छे हाइट पर ये सोलर पैनल दिख रहा है। अब इस एरिया में सोलर पैनल की खास बात क्या है कि जैसे कि हम बताए कि जितने भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लूम सोलर का है, वह काफी हाईली इफिशियंट सोलर पैनल होता है, जो आपको लो लाइट क्लाउडी वेदर में भी ये जनरेशन करते रहता है। ये एक रियल एग्जांपल है, जैसे कि अभी के टाइम में सनलाइट नहीं है, बहुत ही ऐसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ पर सनलाइट नहीं है, लेकिन यदि हम इसकी जनरेशन अभी जाके अंदर चेक करेंगे तो अभी भी ये सोलर पैनल 8 किलोवाट का सोलर पैनल कुछ जनरेट करते रहेगा। तो इसी वेदर को बोला जाता है क्लाउडी वेदर, और मतलब लो लाइट, इसी वेदर में ये सोलर पैनल जनरेशन करते रहता है। तो आपको यहां से बैक साइड से देखने को क्या मिल रहा है कि ये सोलर पैनल, एक बाइफेशियल सोलर पैनल लगाया गया है, एक पैनल स्टैंड जो काफी मजबूती से इसको लगाया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आसपास दूर दूर तक यहां पर इस तरीके से बिल्डिंग नहीं बने हुए हैं, तो यहां पर तेज हवा चलती है और तेज हवा से बचाव के लिए यहां पर एक अच्छे पैनल स्टैंड जो सोलर पैनल को रोक सके और हाई विंड की प्रेशर को सह सके, तो पैनल स्टैंड लगाया गया है। और साथ में बगल में आपको दिख रहा होगा वो उधर एक लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर जैसे कि इसकी प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया गया है। अब यहां पर जो पेट्रोल पंप में जो ज्यादातर क्वेरी होता है कि सोलर पैनल कहाँ इंस्टॉल होगा, तो सोलर पैनल कहाँ इंस्टॉल होगा उसके लिए आप देख रहे हैं कि एक जो पेट्रोल पंप का जो ऑफिस वाला जो एरिया होता है, जहां पर हर सुविधा उपलब्ध होती है, चाहे बिलिंग मशीन और पावर बैकअप सॉल्यूशन और पब्लिक फैसिलिटी जो रहता है, वो सब सारे उसी एरिया के ऊपर ये सोलर पैनल लगाया गया है, क्योंकि अलग से कहीं पर आप ये सोलर पैनल को इंस्टॉल नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक अच्छे इंस्टॉलेशन यहाँ पर करके यहाँ पर सोलर पैनल लगाया हुआ है। अब हम आपको चलते हैं इन्वर्टर के पास लेके कि इन्वर्टर के पास किस तरीके से किया हुआ है। तो यहाँ पर सोलर पैनल से जितने वायरिंग है, जैसे कि यहाँ पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लूम सोलर का फ्यूजन 8 किलोवाट का 3 फेज में लगा हुआ है, तो ये डबल स्ट्रिंग बना के यहाँ पर 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है। इसको कनेक्ट करने से पहले सोलर पैनल की डीसी वायरिंग जो होता है वो डीसी डीवी में आता है। डीसी डीवी में जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इन 2 और डीसी डीवी लगा हुआ है, और इसको प्रॉपर वायरिंग के लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप और केबल ट्रे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी जो इंस्टॉलेशन क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि डीसी डीवी में जो इसकी वायरिंग होती है, वायरिंग के लिए यहाँ पर फ्यूज कनेक्टर और एसपीडी, उसी तरीके एक स्ट्रिंग के लिए दूसरे स्ट्रिंग के लिए फ्यूज कनेक्टर और एसपीडी, और दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पर फाइनल 2 इन और 2 आउट यहाँ पर कनेक्ट करके
यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है DC1 DC2। यहाँ पर वायरिंग को जो है वह 6 square mm का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर DC DB से लेके इन सोलर इन्वर्टर तक की जो वायरिंग है एक बढ़िया वायर का इस्तेमाल किया गया है जिसकी स्पेसिफिकेशन 6 square mm की है। अब यहाँ पर जो इतना कनेक्ट करने के बाद ये डीसी साइड कनेक्शन होता है, उसी के साथ यहाँ पर एसी साइड कनेक्शन होता है। ये एसी साइड, ये तो डीसी साइड कनेक्शन हो गया। एसी साइड कनेक्शन करने के लिए जो कनेक्टर होता है वह इन्वर्टर के साथ आता है, इसके लिए अलग से एसी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। एसी वायर यहाँ पर जैसे कि देख रहे, स्पेसिफिकेशन यहाँ पर अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे कि वायरिंग का स्पेसिफिकेशन क्या है और इसको कनेक्ट करके यहाँ पर एसी डीवी में कनेक्ट कर दिया गया है। एसी डीवी से कनेक्ट होके यहाँ पर अर्थिंग का वायर यहाँ पर इन्वर्टर और स्टैंड का अर्थिंग यहाँ से कनेक्ट करके ये प्रॉपर एक फाइनल आउटपुट जो ट्रांसफार्मर के पास में चला गया है वहाँ पर जाके वो नेट मीटर और सोलर मीटर से होते हुए ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो ये पूरा का पूरा कमीशनिंग का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन क्वालिटी भी इम्प्रूव करके यहाँ पर लगाया गया है। अब आती है बात कि सिस्टम की मॉनिटरिंग। इसमें जैसे कि आपको स्पेसिफिकेशन हर जगह पर हम बताएं कि इन्वर्टर में एक ऑन ऑफ स्विच होता है कि कोई भी आप सिस्टम में कोई काम कर रहे हैं ऊपर तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। ये डीसी साइड कनेक्शन होता है, ये एक IoT बेस्ड डोंगल होता है जिससे इस इन्वर्टर की पूरी जनरेशन, सोलर पावर प्लांट की पूरी जनरेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर 0 एक्सपोर्ट डिवाइस लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं तो इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस ये साइड यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लगा हुआ रहता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जैसे कि 8 kW इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज की बात करें तो एक स्ट्रिंग में 200 से लेके 800 वोल्ट DC कनेक्ट होगा और मैक्सिमम एम्पियर 20-20 एम्पियर तक का सीरीज बना के इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ रहता है जो आप, और इसमें इंडिकेशन LED इंडिकेशन है, DC, AC, नॉर्मल और अलार्म। और यहाँ पर आप एस्केप बटन, इंटर बटन, ये सब सेटिंग के लिए यहाँ पर आता है। तो इसका इस्तेमाल जनरली एज अ कंज्यूमर सिर्फ इसका जनरेशन ये सब चेक करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आज का जनरेशन 18 यूनिट का है और ये टोटल जनरेशन 4108 यूनिट अभी तक जनरेट कर चुका है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अब हम कंज्यूमर से जानते हैं कि ये सोलर पावर प्लांट जो ऑन ग्रिड लगाया गया पेट्रोल पंप पर, उससे इनको क्या फायदा हो रहा है। तो सर, ऑन ग्रिड में नेट मीटर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो ये नेट मीटर वहां से जितने भी वायरिंग है फाइनल आउटपुट यहां पर आया है और इससे होते हुए ट्रांसफार्मर पर चला गया। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि यहां पर क्या-क्या किया हुआ है। सर, हमने जो 8 किलोवाट का सिस्टम बैठा हुआ है वहां पे DC DB बॉक्स करके लगा हुआ है जो इन्वर्टर से आउटपुट आकर AC DB में आया है। AC DB से जो आउटपुट आया है डायरेक्ट वो जनरेशन मीटर में आया हुआ है, 3 फेज मीटर में। वहां से वो पैरेलल प्रोटेक्शन के लिए हमने MCB यूज किया है, उससे वो नेट मीटर और जनरेशन मीटर का पैरेलल कनेक्शन करके हमने यहाँ पे लगाया हुआ है आउटपुट में। और यहाँ पे जो ऑन ग्रिड सिस्टम रहता है उसमें ग्रिड और सोलर का कनेक्शन लगाया हुआ रहता है। ग्रिड का कनेक्शन कंपलसरी लगता है। ग्रिड का कनेक्शन करके वो लगाकर हमने जो कनेक्शन किया वो डायरेक्ट नेट मीटर से हम डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं बिजली वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के होकर हम बिजली भी आपको दे देते हैं। यहाँ पर एक सर AKM CV लगा हुआ है, इसका क्या यूज है? सर, कोई सिस्टम में वगैरह क्यूच बिजली विभाग के सिस्टम में कुछ फॉल्ट वगैरह आया, फ्लक्चुएशन वगैरह हुआ तो उसके प्रोटेक्शन में हमने MCB लगा हुआ है। ये सर्किट ब्रेकर हुआ है, कोई भी लीकेज वगैरह आया तो ऑटोमेटिक ये MCB यहाँ पे बंद कर देता है सिस्टम। अच्छा, तो यहाँ से ये फाइनल ये ट्रांसफार्मर पर गया है? हाँ, ट्रांसफार्मर पर गया है। ये ट्रांसफार्मर पर गया है और ये कौन सा वायर है सर? सर, ये लोड का वायर है। अच्छा, ये लोड का वायर है। यहाँ पे अपना ग्रिड का भी कनेक्शन किया हुआ रहता है और सोलर का भी कनेक्शन किया हुआ है। और जो लोड कनेक्टेड है, जो अभी पेट्रोल पंप पे 2 नोजल चल रहे हैं, उनके कोई अप्लायंसेस चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो उसका लोड भी इस MCB में लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ से प्रॉपर कनेक्शन करके यहाँ पर पूरा उनका सिस्टम शुरू है अभी।
ठीक है। और इसके बाद क्या यहाँ पर और क्या है सर जो देख सकते हैं, जैसे अर्थिंग है, अर्थिंग कहाँ पर किया हुआ है सर? अर्थिंग हमने इन्वर्टर जहाँ पे लगाया हुआ है उसके पीछे हमने अर्थिंग किया हुआ है। यहाँ पे 3 अर्थिंग कंपलसरी करने पड़ते हैं। एक बार देख सकते हैं सर, वहाँ पे देख सकते। तो यहाँ पर अर्थिंग पीछे किया हुआ है, तो अर्थिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताए कि यहाँ पर कैसे क्या किया गया है। सर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर, इन्वर्टर और ईएलए के अर्थिंग की हुई है। जब आप, मैंने बोला कि जब स्ट्रक्चर से अर्थिंग होकर हमारा जो बीच में इन्वर्टर का सिस्टम लगा है उसमें डीसीडीबी बॉक्स लगाया हुआ रहता है, वहाँ पे हमारा वो अर्थिंग का कनेक्शन वहाँ पर जाकर वो डीसीडीबी बॉक्स से हम आकर फिर वो ग्राउंडिंग एक अर्थिंग किया हुआ है। उसके बाद में जो इन्वर्टर का एसीडीबी बॉक्स है वहाँ से एक अर्थिंग लेकर फिर यहाँ पे दूसरा अर्थिंग किया हुआ है। उसके बाद में जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो अपना जो बिजली से प्रोटेक्ट करता है वो अर्थिंग हमने अलग सा वहाँ पर लेकर यहाँ पे जैसे कि 3 अर्थिंग हमने किए हुए हैं। तो ये अर्थिंग है, इसके अलावा भी सोलर सिस्टम में कुछ होता है या इतना से कंप्लीट हो जाता है? हाँ नहीं, इससे भी सब ये बैलेंस ऑफ सिस्टम हमने पूरा लगाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत आती नहीं। सिर्फ सपोज कस्टमर को कुछ पैनल क्लीनिंग करने के लिए कुछ लगाना रहता है तो कंपनी ये स्प्रिंकलर वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, आप अलग से प्लम्बर लगा कर वहाँ पर आप स्प्रिंकलर का ऊपर लगा सकते हैं पैनल से। इससे क्या होगा कि आपका जो पैनल रहेगा वो हर दिन क्लीन रहेगा और आपका जनरेशन ही आपका ज्यादा होता रहेगा। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार, नमस्कार। जय महाराष्ट्र सर। धन्यवाद, आपको भी जय महाराष्ट्र। तो ये जो पेट्रोल पंप है सर, सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल पंप पर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए हैं। बराबर। सोलर सिस्टम लगाए हैं। बराबर। तो इसके बारे में आप परिचय एक छोटा दें, जगह हाँ। के बारे में बताएं और कैसे शुरुआत हुआ ये सोलर की जर्नी सर जी। जहाँ पर अभी ये सोलर लगा हुआ है वो जगह का नाम है नवकार पेट्रोलियम, जो कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है और नंदुरबार से 5 किलोमीटर पहले चौपाला करके एक गांव है, वहाँ पर अभी ये लोकेटेड है। आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम है नरेश कांकरिया और जगह का नाम है नवकार पेट्रोलियम। तो पेट्रोल, सबसे पहले हम पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे इंडिया में हर पेट्रोल पंप ओनर सोलर का सॉल्यूशन चाह तो रहे हैं। बराबर। बट हर पेट्रोल पंप पहले से लगा हुआ भी है। हाँ। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ पर जनरेटर का प्रोविजन शायद नहीं रहता पेट्रोल पंप। होता है, जनरेटर का प्रोविजन होता है जी। लेकिन वो वहाँ पर बिजली ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस का लॉस रहता है। अभी पेट्रोल पंप जो भी ज्यादा करके सिचुएटेड होते हैं ये शहर हद्दी से ग्रामीण क्षेत्र में ये सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पर लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन का काफ़ी दिक्कत होता है। और दूसरा, ये दिनों में जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़े हुए रेट जो है उसका भी इफ़ेक्ट ये अभी पेट्रोल पंप पे सोलर लगने के लिए महत्वपूर्ण एक विषय है। तो सबसे पहले सर पेट्रोल पंप के बारे में हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या रहती है? पेट्रोल पंप पे सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है लाइट का, जो एलईडी लाइट सिस्टम, जितना आपका पेट्रोल पंप पे ज़्यादा लाइट होगा, जितना अपना पेट्रोल पंप पे कंटिन्यूस लाइट होगा उतना आप कंज्यूमर को या आपके जो पेट्रोल और डीजल भरवाने आते हैं आपके ग्राहक लोगों को आप सुविधा दे सकते हो। और उसकी वजह से भले ही पेट्रोल पंप पे ना दिखे पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ये बहुत ज़्यादा प्रमाण पे होता है, और इसीलिए यहाँ पे लाइट का जो बिल होता है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आता है। पेट्रोल पंप में बिजली की से क्या क्या चलाया जाता है यहाँ पर? कोई भी पेट्रोल पंप हो, कहीं पर भी सिचुएटेड हो, तो उस पेट्रोल पंप से कम 15 से 20 ऐसे एलईडी 100 वैट से लेके 120 वैट तक के एलईडी लाइट यहाँ पर चलाए जाते हैं, जिसकी संख्या पेट्रोल पंप के साइज़ के हिसाब से चेंज भी होती है। उसके बाद में जो कैनोपी लगती है, कैनोपी में पूरा लाइट का कनेक्शन होता है। उसके बाद जो मशीन्स चलती है वो मशीन्स भी कंटिन्यूस ये लाइट को कंजम्प करते रहती है।
उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स अदर होते हैं ऑटोमेटेड या आपके लैपटॉप से लेके, ये हर चीज़ इलेक्ट्रिक का लाइट कंजम्पशन करती है। ये बहुत सारी चीज़ें, कम से कम यहाँ पे 15 किलोवाट का लाइट का, 10 से 15 किलोवाट की रिक्वायरमेंट हर पेट्रोल पंप पे लाइट की होती है। 15 किलोवाट, हाँ। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है, ये इसको नोजल्स बोलते हैं, हाँ, मशीन बोलते हैं, डीयू बोलते हैं। अच्छा, तो डिस्पेंसरी क्या ऐसे, मतलब बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले फोन करते हैं, हाँ। पेट्रोल पंप पर सोलर लगाना है, बराबर, तो उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि इस नोजल्स को चलाने के लिए तो दम जरूरी चलना ही चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम 12 घंटे का है या 24 घंटे का है सर ये पेट्रोल पंप? अपने यहाँ का पेट्रोल पंप जो है वो 24 घंटे चलता है। एक नोजल के अंदर दो मोटर होती है और दो नोजल होते हैं। कोई कोई डिस्पेंसर यूनिट पे 4 नोजल भी होते हैं, 4 मोटर भी होती है। जब भी आप एक नोजल उठाते हो तो वो बहुत सारा एम्पियर कंज्यूम करता है और मोटर कंटिन्यूसली 24 घंटे रन होते रहते हैं। इसमें जो नोजल्स में मोटर कितने एचपी का रहता है? ये 1 से 1.5 HP का रहता है। 1 से 1.5 HP का सिंगल फेज का मोटर होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मोटर एक पेट्रोल के लिए, एक डीजल के लिए? नहीं, एक नोजल के लिए एक, मतलब अगर एक डिस्पेंसर यूनिट पे अगर 2 नोजल है तो 2 मोटर रहता है और 2 मोटर डीजल के लिए, ऐसे टोटल 4 मोटर होता है। तो यहाँ पर आपका कितना मोटर लगा? 4 मोटर लगा हुआ है। अच्छा, एक इसके लिए और एक उसके लिए? एक मशीन में 2। अच्छा, एक मशीन में 2 मोटर है, तो अच्छा, तो 2, 2, 4 मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, हाँ। तो अब दूसरा जो आपकी उपकरण यहाँ पर हमें दिख रहा है जो बिजली से चलता है, वो जो एयर वाला है, अंदर का सिस्टम तो हमें ज्यादा नहीं पता जी। हम लोग कंज्यूमर जो देखते हैं लाइट देख के जी, पेट्रोल पंप पर आते हैं, पेट्रोल में ये पेट्रोल वाला मशीन देखते हैं, दूसरा एयर वाला रहता है, बराबर। और उसका पावर कंजम्पशन क्या रहता है सर, जो एयर वाला है वो? उसका पावर कंजम्पशन अगर कम होगा तो भी इसको चलाने के लिए जो कंप्रेसर मशीन चलाना पड़ता है उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है। वो 3-phase मशीन होता है, उसका कंजम्पशन गिनने में तो नहीं आया पर उसका अच्छा खासा कंजम्पशन होता है। और यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए यहाँ पर मोटर भी होगा? मोटर बोरिंग है। कितने एचपी का मोटर लगा हुआ है सर? 1.5 HP का है। 1.5 HP का मोटर है। और आपका बिलिंग सिस्टम के लिए कंप्यूटर होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए मशीन होते हैं। पूरा पेट्रोल पंप ये ऑटोमेटेड है, इसकी वजह से उसके कंट्रोलिंग के लिए भी पूरा कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल पैनल होते हैं, जैसे बैटरी भी है उसके अंदर, वो भी सारा इंक्लूड होता है। तो दिखता है। और शाम को 6 बजे के बाद में कम से कम 20 से 25 लाइट यहाँ जलते रहते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट को समझ के आपको यहाँ पर कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर वहाँ जो दिख रहा है वो लगा हुआ है? अभी वो 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 15 किलोवाट का हमारा सैंक्शन है और मेरे अंदाज से 10 किलोवाट का, 8 से 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट हमारी थी जी। 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर एज अ सोलर कंपनी हम लोग को सजेस्ट करने में क्या दिक्कत आती है? हाँ। कि सोलर तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कितने किलोवाट का है, तो कंज्यूमर को भी पता है कि कितने किलोवाट का लग जाएगा। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टास्क होता है इंस्टॉलेशन एरिया डिसाइड करना। अच्छा, तो यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन एरिया कैसे डिसाइड किए सर, आप खुद किए हैं या सोलर कंपनी जो लूम सोलर के मुझे लूम सोलर से भी इस बारे में सहकार्य मिला था, मदद मिला था। पेट्रोल पंप पे जो अवेलेबल जगहें थी 2-4, उसमें से मैक्सिमम जहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, और ऐसा सजेस्ट होने के बाद में डीलर्स के थ्रू भी हमारी जब बात हुई थी तो हमें अभी जहाँ लगाया हुआ है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलेशन एरिया ये है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ तो कुछ गाइडलाइन भी होगा कि आप हर जगह सोलर नहीं लगा सकते, कुछ ऐसा गाइडलाइन भी है? ऐसा गाइडलाइन तो अभी तक हमको जैसे कुछ लोग ये जो कैनोपी के ऊपर भी लगता है, कैनोपी बोलते हैं, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर होता है, वहाँ पे अगर इधर आसपास में अगर ग्रीनरी और अगर ऑब्स्टेकल्स कोई होते थे, अगर हमसे बड़ी बिल्डिंग आसपास में कहीं होती थी जिसकी छाव अगर पंप उसका इफेक्ट होता था, तो हम कैनोपी पे भी इंस्टॉल कर सकते थे या तो फिर कोई और जगह उसको सिलेक्ट कर सकते थे।
तो ये सब करके आपका सोलर सिस्टम ये लगा हुआ जी, लगा हुआ है। कितने किलोवाट का सोलर लगा हुआ है सर? अभी हमने सोलर सिस्टम लगा हुआ है, हमने लूम सोलर कंपनी का 8 किलोवाट का बाईफेशियल पैनल ऐसा सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर। और कौन सा सोलर सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है सर? बाईफेशियल लूम सोलर का है। ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड? हमारा ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड जाने के पीछे कुछ खास वजह? इलेक्ट्रिसिटी का हमारा सप्लाई जो था ये 24 आवर्स का मिलेगा ऐसा हमको MSEB के द्वारा बताया गया था, और ऑन ग्रिड लगाने का पीछे का कारण भी वही था कि जहाँ पे। तो यहाँ पर बिजली, ये पेट्रोल पंप आपकी काफी पुराना पेट्रोल पंप जी, 6 साल हुआ है। 6 साल है, तो 6 साल के बाद 5 साल बाद आप सोलर पर आए हैं? हाँ जी, 5 साल के बाद में क्या रहा है सर? बहुत सारे स्टडी मतलब हमने सुनने के बाद में ऐसा हमको पता चला कि अभी पेट्रोल पंप तो 25 साल चलेगा, और अभी MSEB का बढ़ता रेट, यूनिट का बढ़ता कंजम्पशन, और ये सब भविष्य में पेट्रोल पंप वालों के लिए परवड़ने जैसा नहीं रहेगा। दूसरा, हम मोदी जी ने जो हमको नेचुरल एनर्जी यूज़ करके जो एक बताया है कि भाई नेचुरल बिजली यूज़ करो, उनका जो सपोर्ट था उसकी वजह से भी हम इंस्पायर्ड होके सोलर के लिए गए। तो इसमें आप बात करते हैं सर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ये सब रहता है पेट्रोल पंप का, जो मेरी स्टडी है कि जैसे HP और अदर कंपनी है जो वो खुद ऑथराइज करती है सोलर लगाने के लिए, इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ओनर नहीं लगाते सोलर। बराबर, क्या बात सही है? ये बातें कंपनी द्वारा सजेस्ट की जाती है जी। हमारे भी कंपनी ने हमको ऑप्शन दिया हुआ था, एक तो आप जनरेटर लगाइए, या तो आप इन्वर्टर रखिए, या तो आप सोलर पे जाइए। पहले हमको रिक्वायरमेंट नहीं लगी, इसकी वजह से हम इन्वर्टर पे चलते थे, लेकिन अभी सोलर के लिए कंपनी ने भी हमको सपोर्ट किया हुआ है। तो इसका बजट ये सब का कुछ कंट्रीब्यूशन रहता होगा या कंपनी बोलती है कि हम आपको इसका सपोर्ट करेंगे? अच्छा, तो जो प्रोसेस है वो हिसाब से वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ये साइट जो लगा हुआ है सर, ये कितने महीना पहले लगा है? ये हमारे को लगा के 3.5 से 4 महीना अभी हो चुका है। तो या ये जो पेट्रोल पंप तो कमर्शियल में आता है, बराबर, तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में नेट मीटर आता है जो MSME अप्रूव करते हैं कि हमें यहाँ पर लगाना है ऑन ग्रिड या नहीं। तो क्या यहाँ पर ऑन ग्रिड नेट मीटर ये सब अप्रूवल मिल गया है? हाँ, मिल चुका है। मतलब जो भी जनरेशन होगा वो MSEB के द्वारा परचेस किया जाएगा, और उसका अप्रूवल हमको मिल चुका है, उसका इफेक्ट हमारे लाइट बिल में आ चुका है। तो सोलर लगने के पहले और सोलर लगने के बाद आपका बिजली बिल में कितना का बचत हुआ है? सोलर लगने से पहले हमारा एवरेज मंथली बिल आता था 15,000 के करीब, जो पिछले सोलर लगने के बाद में कम होके करीबन 3,000 के आसपास में हो गया है। अच्छा, 15,000 से 3,000 तक हुआ है। उसमें भी जीरो बिल का हमारा चांसेस था, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस जो MSEB का फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से जो लाइन कट होती है, इसकी वजह से हमारा बाकी का जनरेशन ये फेल हो जाता है, अन्यथा हमारा लाइट बिल जीरो हो जाता था, इतनी हमको गारंटी थी। तो यहाँ पर सर जो बिजली फ्लक्चुएट होता है, तो आपका इन्वर्टर बैटरी नीचे देखे रखा हुआ है, हाँ। क्या उससे काम चल जाता है? वैसा चलता तो नहीं है, लेकिन 6 से 8 घंटे तक का सपोर्ट हमको मिल जाता है। तो क्या उस कंडीशन में यदि बिजली नहीं रहेगा तो क्या ये दोनों जो आपका पंप है ये दोनों चलेगा? अगर बिजली नहीं रहा तो 8 घंटे तक इन्वर्टर पे हम ये सब चला सकते हैं, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा। अच्छा, 8 घंटे तक चलेगा? चलेगा बिल्कुल, हमारा 5 किलोवाट का सपोर्ट सिस्टम। बिजली की सेविंग कर रहे हैं सर एज अ बिजनेस ओनर, आप इस सेविंग को किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेविंग है, छोटा नहीं है। हर महीने 10,000 से 12,000 अगर हमारा सेव होता है तो उसका हमारा बेनिफिट ही होने वाला है। प्लस जो हम एक कुछ देन लगता है देश को हमारे तरफ से,
तो सोलर सिस्टम लगाने की वजह से जो पेड़ काटे जाना है, जो कोल का यूज़ है, वो भी हम कम करते हैं। तो डायरेक्ट तो नहीं, पर इनडायरेक्ट हम कंट्रीब्यूशन हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, ये भी हमारी खुशी है। चलिए, ये आप इस इन्वेस्टमेंट को अपने हैप्पीनेस से कनेक्ट किए, जी, जरूर, बड़ी जरूर, बात जरूर, है। हमारे को बहुत खुशी है। तो इस एरिया के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे सर, क्योंकि इस एरिया के बारे में महाराष्ट्र के तो कुछ लोग जानते होंगे जी, और कई राज्यों को महाराष्ट्र एकदम लाइफ सिटी जैसा लगता है, लेकिन ये तो बहुत पहाड़ी इलाका। जी, हम अभी जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमने ये सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, उसका नाम है नंदुरबार। नंदुरबार एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, और लेकिन ये पहले धुलिया डिस्ट्रिक्ट को अटैच था। 1998 में ये सेपरेट हुआ और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे ये उभर के आया। हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी कम्युनिटी से है, और आदिवासी कम्युनिटी होने की वजह से जो डेवलपमेंट हमने पिछले 20-22 साल में देखा हुआ है, वो अभी अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ पर का जो वेदर है, जनरली जो हम बोलते हैं, ये काफ़ी हीट, काफ़ी टेम्परेचर होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे सोलर सिस्टम का एक अच्छा उपयोग होता है। और आपके साइड में हम देखे हैं सर, बहुत सारे विंड पावर लगे हुए, जैसे पीछे भी हमें दिख रहा है, बहुत सारे विंड पावर लगा हुआ जी। भारत में जहाँ सर्वे हुआ था, उसमें नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का जो ये हमारा बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट, उसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए बहुत अच्छी पूरक सुविधाएं हैं, ऐसा रिपोर्ट आया था। और उसकी वजह से सुजलॉन कंपनी ने 2004 में यहाँ पे विंड एनर्जी का पावर सिस्टम डाला हुआ है। यहाँ पे निजामपुर करके एक छोटा जगह है, वहाँ पर 100 मेगावाट के करीब सोलर पैनल का भी जगह है, और अभी मोस्टली मतलब काफ़ी जगह पे आपको सोलर का सिस्टम का यूज़ होते हुए आपको दिखेगा। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा लगा सर। और सुने हैं आपके घर पर भी सोलर लगा हुआ है। हाँ जी, मैंने जिस वक्त प्लान किया कमर्शियल सोलर लगाने का पेट्रोल पंप के ऊपर, उसी वक्त मैंने घर पे भी 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है। तो सर घर के बारे में थोड़ा, ये तो पेट्रोल पंप हर कंज्यूमर को, घर पेट्रोल पंप होता नहीं है, बहुत लिमिटेड होते हैं, घर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, हम फ्यूचर अगर देखते हैं तो यहाँ से आगे लाइट बिल जो है वो बढ़ने ही वाला है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे यहाँ दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। गैस सिलेंडर के भी रेट बढ़ रहे हैं, उसके बाद में एसी बढ़ रहे हैं घर में, इंडक्शन कुकटॉप बढ़ रहे हैं, एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें अभी दिन ब दिन हमारे यूज़ में आ रही है। इसकी वजह से जो हम गवर्नमेंट की बिजली यूज़ करते हैं एमएससीबी से, तो उसका अभी रेट भी और उसका लाइट बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, और वन टाइम इंस्टॉलमेंट जो 25 साल तक हमको रिटर्न देगा, ऐसी एक सुविधा हमने लगाने का सोचा। इसकी वजह से पेट्रोल पंप के साथ साथ घर पे भी हमने उसका इंस्टॉलमेंट किया। गुड, वेरी गुड सर। तो सर ये आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किए, अब इसमें प्राइसिंग ये सब की आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट है या लोन के ऊपर ये प्लांट लगाया गया है? नहीं, पेट्रोल पंप पे जो लगाया गया है कमर्शियल और घर पे, दोनों जगह पे हमने लोन की सुविधा की हुई है। अच्छा, लोन की सुविधा के थ्रू। जी हाँ, लोन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं सर, क्योंकि सोलर लगवाना एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ। आप कैसे कैसे क्या प्रोसेस किए हैं तो आप बताएं इसके बारे में। पेट्रोल पंप पे जो सोलर लगाना है, उसके लिए हमको नंदुरबार की जलगांव जनता कोऑपरेटिव बैंक ने सपोर्ट किया है। टोटल कॉस्टिंग के अगेंस्ट में उन्होंने 5 साल के हफ्ते हमको दिए हुए हैं। 5 साल के हफ्ते उतने ही हैं जिससे जितना हम लाइट बिल भरते थे, उससे कम ही हमारे हफ्ते आए हुए हैं अभी तक। और हमने ऐसा सोचा है कि 5 साल के हफ्ते हो जाने के बाद में, उसके बाद में 20 साल हमको इसका फ्री यूज़ होने वाला है। तो उसी वजह से हमने लोन पे ये सोलर सिस्टम लेने का सोचा है। और दूसरा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो, तो इनकम टैक्स में भी डिप्रिसिएशन के थ्रू आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, डिप्रिसिएशन वाली बात पहली बार आप किए हैं, कितना परसेंट मिला है सर? अभी तक ये साल तो हमने पहली बार ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे लगता है 10-15% तो डिप्रिसिएशन पर ईयर हमको मिलेगा ही। 5 साल में ये उसका बेनिफिट भी हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है सर, सोलर पर बिजनेस के लिए फर्स्ट ईयर में 40% का डिप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा, अगर उतना होगा तो सही में बहुत अच्छा है। और उसमें हमारे फिनांस डिपार्टमेंट में है, उनसे हम पूरी जानकारी प्राप्त की है कि टैक्स डिप्रिसिएशन की
होना है। तो उनके अनुसार की फर्स्ट ईयर उसका 6 महीना का चलता है, अप्रैल के बाद 6 महीना तक कोई यदि सोलर लगाते हैं तो उनको 40% फर्स्ट ईयर, उसके बाद यदि कोई लगाते हैं तो 20% अच्छा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जब तक सोलर की वैल्यू जीरो ना हो जाए तब तक वो ऐड करते चले जाएगा। जी हमने भी वो सोचा हुआ है और तो दोनों एक सिर्फ इसके पीछे 2-3 रीजन भी थे। एक तो जो कमर्शियल पर्पज है पेट्रोल पंप पे सुविधा के लिए तो है ही है, जो देश के प्रति हमको कुछ देना लगता है उसमें हम ज़्यादा डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। और तीसरा है कि इनकम टैक्स के तरीके से हमको इसमें जो गवर्नमेंट ने डिप्रिसिएशन दिया हुआ है उसका भी हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। राइट ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में पेट्रोल पंप और सोलर पैनल रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दिया गया है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल पंप के लिए कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए सही होगा, कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए सही होगा और उसकी क्या इंस्टॉलेशन पॉलिसी रहेगी। यदि आप महाराष्ट्र के इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास से हैं या धुले डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब तक यहाँ पर साइट सर्वे हो नहीं पाएगा तब तक सोलर सिस्टम सजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो साइट सर्वे के लिए आप loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां से आप बुक कर सकते हैं और नजदीकी जो एड्रेस बताया गया वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और नियर बाय जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उनकी जानकारी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, कुछ आपके माइंड में कमेंट और यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू so much।